हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 40 रुपये का डिविडेंड देने वाला यह शेयर हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है। और अभी आप देखोगे 26,000 करोड़ उठाए गए हैं मार्केट से इस साल में। काफ़ी सस्ता है ये शेयर अभी के टाइम में भी, ये कहूँगा। और अभी जब हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया में IL&FS की वजह से जो गिरावट आई थी, उसकी वजह से इन शेयर्स की कमर टूट गई थी। ये अच्छे अच्छे शेयर भी नीचे गोते लगाने लगे थे। तो चलिए बात करते हैं शेयर की, कौन सा है ये शेयर, क्या कुछ खास है, इन सब पॉइंट्स पे जानते हैं, टेक्निकल जानते हैं, फंडामेंटल्स जानते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ सबसे पहले डिविडेंड पे। अगर आप डिविडेंड दे हैं तो हर साल 40 रुपये, पिछले 2018 का देखिए 4 बार डिविडेंड दिया था 40 रुपये, हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है। जनवरी का पहला डिविडेंड 10 रुपये का दे चुका है और हर क्वार्टर में 10-10 रुपये का इस तरीके से डिविडेंड आता रहेगा। यानी कि ये देखिए, जो दूसरा डिविडेंड आता है वो अप्रैल के रिजल्ट्स अभी आएंगे, जब भी इसके रिजल्ट्स आएंगे अप्रैल के, तो वो दूसरा 10 रुपये का डिविडेंड फिर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो डिविडेंड अगस्त में आता है, फिर उसके बाद आता है डिविडेंड अक्टूबर में। तो ये दो तीन महीने हर क्वार्टर के एंड पे ये डिविडेंड डिक्लेयर करता है, इंटरिम डिविडेंड। और मतलब 10-10 रुपये का ये डिविडेंड होता है टोटल। जैसे पिछले 2018 का तो 40 रुपये का था और 2019 की सीरीज़ भी 10 रुपये से स्टार्ट हुई है। उम्मीद करते हैं कि आगे अगर इसको प्रॉफिट होता है तो ये सीरीज़ बढ़े। तो ये तो थे डिविडेंड की बात। कंपनी का नाम आप देखिए क्या है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। 870 का प्राइस हो गया, लगातार बढ़ते जा रहा है ये। अगर आप देखें कंटिन्यूसली पिछले एक महीने से बढ़ता जा रहा है ये शेयर। अब हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया अगर आप देखोगे तो HDFC सबसे टॉप का प्लेयर है, उसके बाद आता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और यहाँ पे ये देखिए 37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, आने वाले टाइम पे HDFC के बराबर जाने की कोशिश करेगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस आता है। फिर तो अलग अलग हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ग्रुप फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, तो इस तरीके से और भी छोटे प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सेकेंड नंबर पर है इस लीग में, तो बहुत बढ़िया। अब हम उस न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, पिछले साल इसने 17,300 करोड़ रेज किए थे Q4 फाइनेंशियल ईयर 19 में, और अब देखिए कितने 26,000 करोड़ की बोरोइंग इसने अभी रखी है। क्योंकि आप सोचिए, इन कंपनीज के पास पहले ये उधार लेते हैं तभी आपको होम लोन दे पाते हैं, और जब होम लोन तभी दे पाते हैं और इनका डेट भी अच्छा खासा होता है, तो इसके लिए इन कंपनीज के डेट पे मजे है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए डेट अच्छा खासा होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या फिर बैंकिंग कंपनीज, तो डेट देखिए 1,10,000 करोड़ का, क्योंकि यही पैसा ये आगे यूज में करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया, 26% की सेल्स ग्रोथ है। डिविडेंड देखिए, अल्टीमेट डिविडेंड डील्ड, ऐसा डिविडेंड देने वाला बहुत, मतलब प्राइवेट कंपनीज बहुत कम होती है ऐसा डिविडेंड देने वाला। अर्निंग पर शेयर भी आप देखिए बहुत ही बढ़िया, और PE रेशियो 9 के अराउंड। तो अगर आप टोटल देखें इस चीज़ का, सारी चीज़ें देखें, तो काफ़ी जब ये करेक्शन आया था तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे ये आ गया था। पहले बहुत ऊँचा उड़ रहा था लेकिन फिर काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आ गया था ये। रिवेन्यू देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, 5,000 करोड़ का रिवेन्यू आज की डेट में 16,000 करोड़ को टच करने वाला है, और प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है ये प्रॉफिट। अब एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ इस शेयर की और डिटेल टेक्निकल लेवल पे, तो आप समझिए। देखिए, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ग्राफ देखें 2014 से अब तक, तो इस शेयर ने 2014 में ये 200 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, और यहाँ पे करीब 4 साल के अंदर 1,450 टच किया, मतलब 7 गुना पैसा दिया 4 साल के अंदर। और उसके बाद अभी जो करेक्शन आया, जो गिरावट आई, तो देखिए 1,450 रुपये का शेयर ऑलमोस्ट 550 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो मतलब कितना ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली इसमें, करीब 900 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत बढ़िया एक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेंज के आसपास जाके बाइंग देखने को मिली। पहले भी मैंने इसके वीडियोज़ बनाए थे, तो बाइंग रेंज 650, मतलब 550 से 650 के बीच में एक बहुत बढ़िया बाइंग रेंज थी इसकी, और वहाँ से ऊपर उठ चुका है ज़रूरी है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अप ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है। जो डाउन ट्रेंड की लाइन थी वो ख़त्म होकर अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये कन्फर्मेशन मिल चुका है, और शेयर जब हम उछाल पर ज़रूर है। अब इस शेयर की बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी, जो इसकी नई ट्रेंड लाइन बनी है उसके आसपास, यानी कि अगर आप देखोगे अभी ये 870 चल रहा है, तो इस लेवल से 100-150 रुपये नीचे मिले तो बहुत बड़े, जैसे कि मतलब ये देखिए 750-800 इस रेंज में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अब तो ये इस ट्रेंड लाइन को पार कर रहा है, जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन से, अगर इसने इसको पार कर लिया तो अगला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, इससे 100 रुपये ऊपर का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आप देखिए इसमें अच्छी खासी बढ़त आ सकती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इस शेयर का,
तो मेन LIC का 10 से 11% होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखता है। और 645 FII का जोर है, म्यूचुअल फंड की 24 स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया, मतलब हर सब ने इन्वेस्ट किया, और डिविडेंड फंड में सबका एडेड होगा। ये LIC ने इन्वेस्ट किया हो तो डिविडेंड तो देगा ही दे। LIC के शेयर्स अगर देखें तो अच्छे खासे डिविडेंड वाले शेयर्स में LIC का बहुत होल्डिंग होता है। लेकिन इस शेयर में एक नेगेटिव बात जो मुझे लगी है कि कुछ शेयर इसके गिर भी रखे गए हैं, 12 साढ़े 12% प्रमोटर की होल्डिंग गिर भी रखी गई है इस शेयर की। तो चलिए, ये सब कुछ था इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप देखें ओवरऑल देखें शेयर्स, खासकर डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से बढ़िया शेयर, ग्रोथ डिविडेंड वाले शेयर इतने ग्रोथ वाले बहुत कम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।